हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्री कोचिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एग्रीकल्चर के टॉप 10 मोस्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल एग्री कोचिंग पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ही पोषक तत्व वाले उर्वरक को क्या कहते हैं? जिस उर्वरक में एक पोषक तत्व पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने एकांकी उर्वरक, ऑप्शन बी है मिश्रित उर्वरक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इस उर्वरक को क्या कहते हैं। तो अगर आपको पता है तो अपना आंसर मुझे कमेंट करिए, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जिसमें केवल एक ही पोषक तत्व पाया जाता है उसे कहते हैं हम एकांकी उर्वरक। नेक्स्ट है, दो या तीन पोषक तत्व वाले उर्वरक को क्या कहते हैं, यानी कि जिस उर्वरक में एक से ज्यादा पोषक तत्व होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने मिश्रित उर्वरक, एकांकी उर्वरक, नाइट्रोजनी उर्वरक, ऑप्शन डी यानी कि लास्ट है कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जिसमें एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे कहते हैं हम मिश्रित उर्वरक। आगे है, सर्वाधिक अम्लीयता किस उर्वरक में पाई जाती है? सबसे अधिक अम्लीयता किस उर्वरक में पाई जाती है? ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है केंचुआ खाद। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमोनिया में सबसे ज्यादा अम्लीयता पाई जाती है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चौथा है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये तो आप सब जानते ही होंगे, ठीक है। इनमें से ए है रॉक फॉस्फेट, बी है सुपर फॉस्फेट, सी है जिंक और लास्ट है डी, ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है क्या? रॉक फॉस्फेट। पांचवा है, सर्वाधिक आर्द्रता ग्राही उर्वरक कौन सा है? सबसे ज्यादा आर्द्रता जो ग्रहण करता है वो कौन सा उर्वरक ग्रहण करता है? ऑप्शन ए है पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी है अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी है फास्फोरस एंड ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स, अमोनियम नाइट्रेट जो उर्वरक है वो सबसे ज्यादा नमी को अवशोषित करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एमओपी यानी कि मोरेटो पोटाश में पोटाश की कितनी मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन ए 46%, ऑप्शन बी 48.5%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी है 60%। तो फ्रेंड्स, एमओपी में पोटास की मात्रा होती है 60%, ये सब आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है? जब हम सिंचाई करते हैं अपनी फसल की तो हम लोग क्या करते हैं, जो यूरिया का कट्टा होता है, जो यूरिया होता है उसे हम पानी के यानी कि जो जल निकास होता है, सॉरी जहां से जल स्रोत से जो पानी बहता है वहां पर उसे रख देते हैं, तो यूरिया जो होता है उसमें घुल कर पानी के साथ हमारी फसल में चला जाता है। तो यही पूछ रहे हैं हम कि सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है? ऑप्शन है फर्टिगेशन, ऑप्शन बी है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी है दोनों कोई नहीं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं, फर्टिगेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों एक जैसे शब्द हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्टिगेशन। ऐसा ना हो कि आप फर्टिगेशन को समझ के फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें देखिए गेशन और जेसन केवल ई का इसमें जो डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए याद रखना, जो हमारा फर्टिगेशन है वो होता है सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना, फर्टिगेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कैंचुओं द्वारा तैयार किया गया उर्वरक क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है कैंचुए की खाद, ऑप्शन बी है वर्मी कंपोस्ट एंड ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है ये सभी। फ्रेंड्स, कैंचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट, इन दोनों में से आप बताइए कौन सा है। दोनों ऑप्शनों को आप छोड़ दीजिए केवल कैंचुए की खाद और वर्मी कंपोस्ट में अगर आप जानते हैं तो मुझे जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, कैंचुए द्वारा जो तैयार उर्वरक किया जाता है उसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंत किसे कहा जाता है? जैसे मनुष्य की आंत होती है, जंतुओं की आंत होती है, ठीक है, इसी प्रकार पृथ्वी की आंत किसे कहा जाता है? वृक्षों को, जंतुओं को, कैंचुओं को या मानव को? फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि आंत का क्या कार्य होता है? आंत का कार्य होता है भोजन का पाचन करना। कैंचुए जो होते हैं वो सेम यही क्रिया करते हैं, किसके अंदर? भूमि यानी कि मृदा के अंदर, इसलिए इसे कैंचुओं को पृथ्वी की आंत कहा जाता है। तो करेक्ट
आंसर है हमारा केंचुआ। नेक्स्ट है एचओटोबैक्टर जीवाणु से नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा प्राप्त, सॉरी कितनी बचत होती है। दोबारा बता देता हूं, एचओटोबैक्टर जीवाणु से नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर कितनी बचत होती है। एचओटोबैक्टर आपको पता है एक नाइट्रोजन प्राप्त कराने वाला बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ठीक है। तो इससे एक हेक्टेयर में कितनी बचत हो जाती है किसकी, नाइट्रोजन की, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने 10 से 15 किलोग्राम, 20 से 30 किलोग्राम, 25 से 35 किलोग्राम या 22 से 30 किलोग्राम। तो फ्रेंड्स एजोटोबैक्टर जीवाणु से एक हेक्टेयर में 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत हो जाती है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कैसे लगे मेरे ये टॉप 10 एग्रीकल्चर क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको अगर इसी तरह की और जानकारी लेना चाहते हैं, देखिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार की है, ट्रिक्स प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पर मैंने आपको ट्रिक वाई कुछ क्लासेस दी है, ठीक है, उन्हें जाकर आप जरूर देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी वो, आई होप। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।